प्रोडक्ट सिर्फ हमने स्किन को देख के नहीं चूज करना है, प्रोडक्ट हमने चूज करना है हमारी स्किन और अंडरटोन, जो हमारी स्किन के अंडरटोन होती है उसको भी हमें चेक करना है कि वो क्या है। वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। हमारी जो स्किन होती है, हाथ पैर पूरी बॉडी की हमारी जो स्किन होती है, इसके अंदर हमारे वेन्स होती हैं, सबके वेन्स होते हैं, ब्लू कलर के वेन्स हमारी होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, मसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स होते हैं, तो मैक्सिमम सबकी वेन्स ब्लू कलर की होती है। कुछ कुछ लोगों की वेन्स रेड ब्लड वेसल्स या ब्लड का फ्लो होने की वजह से थोड़ी सी उनके ब्लू और रेड, देखो मैंने आपको बताया ना कलर व्हील थ्योरी, यहाँ पे आ जाती है आपकी कलर व्हील थ्योरी। अगर आप सोचो कि कलर व्हील थ्योरी में मैंने आपको बताया था रेड और ब्लू मिक्स करने से, जब दोनों को आपस में मिक्स होते हैं एक दूसरे का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो वॉयलेट बन जाता है। तो किसी किसी के अंडर टोन अगर आप चेक करोगे, इसका चेक करने का एक तरीका और भी है, आप अपनी पाम पे देखो, पाम से नीचे रिस्ट पे आपको अपनी वेन्स दिखाई दे रही हैं, आपको देखना है कि ये वेन्स कौन से कलर की हैं, क्या ये बिल्कुल ब्लू है या ये थोड़ी सी ग्रीन है या ये थोड़ी सी वॉयलेट है। तो आपको ये चीज चेक करनी है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो फेस की भी मसल्स के अंदर जो हमारी वेन्स है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, कौन सी वेन क्या कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि हमारे पूरे फेशियल मसल्स के अंदर वेन्स है जो हमारी स्किन को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं, हम सिर्फ सुपरफिशियली देयर देख लेते हैं, जो बिगनर्स होते हैं उनको लगता है कि ऊपर से गोरी है तो ये बंदे को फेयर प्रोडक्ट लगा दो, कोई बंदा काला है तो उसको डार्क स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लगा दो, ऐसा नहीं करना। हमें देखना कि उसके जो मसल्स है, उसकी जो वेन्स है वो क्या कलर्स की है, वो एग्जैक्टली ब्लू है या थोड़ी सी ग्रीन है या थोड़ी सी वॉयलेट है, तो वो हमें चेक करना, दैट इज कॉल्ड अंडर टोन। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं उसकी वेन्स चेक करके, देखो एक तो होता है कि किसी की जो फेस है मीडियम स्किन है या डार्क स्किन है उनको विजिबल होती नहीं है कि हम कैसे चेक करें कि उसकी अंडरटोन क्या है, जो फेयर होते हैं उनकी दिख जाती है, तो उसको चेक करने का तरीका ये कि आप थोड़ा सा एयर्स के पीछे चेक करो, ये एरिया थोड़ा सा लाइट कलर होता है, इससे पता चल सकता है उनकी वेन्स कैसी है, या फिर आप सीधा रिस्ट से देखो, रिस्ट पे हर किसी की वेन्स विजिबल होती है, या फिर आप एक बेसिक फंडा अपने दिमाग में रख लो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो रेड होती है हमेशा, हमारा जो ब्लड होता है रेड होता है, और हमारी जो वेन्स होती है वो ब्लू होती है, ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से मिक्सिंग से वो या तो हल्की ब्लू डार्क ब्लू हो सकती है या वायलेट हो सकती है या फिर ग्रीन हो सकती है, क्योंकि अगर इन दोनों कलर को मिक्स किया जाए तो यही शेड बन के सेकेंडरी या टर्शियरी कलर्स बाहर आते हैं। तो इसी तरह की हमारी वेन्स होती है, इधर इट कैन बी ब्लू वायलेट और ग्रीन। तो आपको अब अपनी पता चल जाती है क्लाइंट की अंडरटोन क्या है, वो या तो बहुत ज्यादा ब्लू है या तो बहुत वायलेट है या तो फिर वो ग्रीन है। अब आपने चेक कर लिया है, एनालाइज अच्छे से कर लिया हुआ है कि आपके क्लाइंट की स्किन टोन क्या है और उसकी अंडरटोन क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्किन टोन एंड अंडरटोन। मेकअप प्रोडक्ट्स लेने से पहले या किसी क्लाइंट को यूज करने से पहले आपको हमेशा ये दो चीजें चेक कर लेनी है कि क्लाइंट की स्किन टोन क्या है और उसकी अंडरटोन क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ हम कैसे चेक करें। सपोज मैं मीडियम कलर हूँ, मेरा स्किन ना मैं ज्यादा फेयर हूँ ना मैं ज्यादा डार्क हूँ, मैं मीडियम कलर हूँ। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मेरी जो वेन्स है थोड़ी सी ब्लू है थोड़ी सी ग्रीन है, वो एग्जैक्टली वॉयलेट नहीं है, हल्का सा मेरा ब्लू ग्रीन इफेक्ट आ रहा है, तो मैं अपने स्किन के हिसाब से वैसे ही प्रोडक्ट चूज करूंगी। ब्लू के ऑपोजिट क्या आता है हमारा कलर व्हील में, अगर हम ध्यान से देखें ब्लू के ऑपोजिट क्या आता है हमारा ऑरेंज आ रहा है, ग्रीन के ऑपोजिट रेड आ रहा है और वायलेट के ऑपोजिट येलो आ रहा है। तो इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से ही हम अपने स्किन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये भी मैं आगे बताऊंगी कि न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं और ये कलर्स क्या होते हैं। तो सपोज मेरी जो अंडरटोन है वेन्स की वो ब्लू है, तो मैं कौन सा कलर यूज करूंगी अपनी स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऑरेंज। अगर मेरी अंडरटोन वेन्स मुझे दिखने में ग्रीन लगती है तो मैं कौन सा कलर यूज करूंगी, रेड। और अगर मेरी जो अंडरटोन है वॉयलेट दिख रही है तो मैं येलो यूज करूंगी। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर हमारी स्किन रेड बहुत रहती है, किसी को एक्नेस होते हैं, एक्ने स्कार्स ब्लैक होने की बजाय वो रेड हो जाते हैं, किसी रेड रहती है तो रेड के ऑपोजिट क्या कलर है हमारे पास, ग्रीन है, तो उसकी उस अंडरटोन को हमें ग्रीन से न्यूट्रलाइज करना है। तो ये सारी चीजें हम कलर व्हील थ्योरी के बेस पे ही चेक करते हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी स्किन टोन जो हम चेक करें सही हो
और जो हम अंडरटोन चेक करें वो हमें सही चेक करनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्किन टोन क्या आती है और अंडरटोन क्या आती है। स्किन टोन जो हमें ऊपर से अपनी स्किन नजर आती है, और अंडरटोन जो उसकी स्किन के अंदर जो उसकी वेव्स का कलर है, जो उसको स्किन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो अंडरटोन होती है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के बाद ही हमें क्लाइंट के ऊपर प्रोडक्ट चूज करके लगाना होता है। आई होप एवरीथिंग इज वेरी 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 मच क्लियर टू यू। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके फर्दर हमें चेक क्या करना होता है कि जो हमने कलर चूज किए हैं कलर थ्योरी के हिसाब से उसमें क्या क्या कैटेगरीज होती है या वैरायटी होती है, उसमें मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे कलर्स होते हैं कलर थ्योरी के हिसाब से हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है हमारी कूल कलर्स की, एक हम करते हैं वार्म कलर्स, और एक हम करते हैं न्यूट्रल कलर। अब ये कूल वार्म और न्यूट्रल क्या होता है, जैसे कि मैंने कलर के साथ साथ में विजुअल मेंशन किया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। ये सारे हमारे कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स है, सेकेंडरी कलर है, तो इन सब के हिसाब से हमें इनको एक कैटेगरी में रखा हुआ है। एक को कूल में रखा हुआ है, कुछ कलर्स को हमने वार्म में रखा है, कुछ कलर को हमें न्यूट्रल में रखा हुआ है। तो ये क्या होता है, कूल से आप समझ जाओ कि कूल मीन्स ठंडा, कूल कलर्स जो थोड़े से ऐसे लोगों के होते हैं जो ठंड में रहते हैं, जो नॉर्मल जिनकी स्किन होती है। और ऐसी स्किन कौन सी होती है, फेयर स्किन, लाइट स्किन, क्योंकि वो कूल होती है, वो जब ठंड की वजह से या ऐसी एरिया में जहां पे ज्यादा हीट नहीं हमारी स्किन को लगती है, तो उनकी स्किन सी की तरह शांत, ठंडी, कूल तरह की होती है। ये हमारा एक साइन भी होता है कि अगर हम ऐसे क्लाइमेट या वेदर चेंजेस के हिसाब से भी देखें तो ऐसे लोगों को, ऐसी स्किन को हम कूल कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो कूल रहती है, उसको ज्यादा हीटर नहीं होती है, हीट ना होने की वजह से वो ज्यादा डार्क नहीं होती, इसलिए वो फेयर और लाइट होती है। अगर हम वार्म देखें, अगर हम वार्म कैटेगरी देखें, तो वार्म के हिसाब से मतलब जो ज्यादा स्किन हमारी वार्म रहती है, हीट ज्यादा रहती है, वो कूल कम है, ठंडी एरियाज की नहीं है, वो थोड़े से ऐसे एरियाज की है जहाँ पे हीट रहती है, सन रहता है, सनी होता है, जैसे साउथ के सारे कंट्रीज हो गई, सारा इंडिया हो गया, या इंडिया में अगर हम साउथ में देखें तो साउथ के लोगों की स्किन थोड़ी वार्म टोन की रहती है। तो ऐसे लोगों को स्किन को हम कैटेगराइज करते हैं वार्म टोन में। एक कूल हो गया हमारा, एक वार्म हो गया हमारा। न्यूट्रल ये हो जाता है कि आपका कूल और वार्म मिक्स है, कुछ स्किन उनकी हाफ थोड़ी सी कूल भी है, थोड़ी सी उनकी डार्क भी है, तो उसको हम कौन सी स्किन बोलते हैं, मीडियम स्किन। जैसे मैंने आपको बता दिया ईस्ट के साइड के लोग कूल टोन के होते हैं, वेस्ट ईस्ट भी कूल होते हैं, लेकिन जो नॉर्थ के बीच के एरिया के हम लोग हैं, जो अपने ज्यादा हीट भी नहीं होती, ज्यादा हीट भी नहीं होती, ज्यादा ठंड भी नहीं होती, ठीक ठीक वेदर होता है, हमारी स्किन मीडियम होती है। अगर हम बिल्कुल पहाड़ों की साइड चले जाएं, माउंटेन की साइड, वो लोग बिल्कुल ही गोरे होते हैं, उनकी स्किन ठंडी रहती है, वो क्लाइमेट की वजह से वो गोरे होते हैं। तो जो स्किन मीडियम होती है वो न्यूट्रल में आ जाती है, न्यूट्रल शेड्स में आ जाती है। तो इस हिसाब से जो जो चार्ट है हमारा, इसके अंदर कूल कलर्स आते हैं, वार्म कलर्स आते हैं और न्यूट्रल कलर्स आते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि इनमें से कूल कलर्स कौन से हैं, वार्म कलर कौन से हैं या न्यूट्रल कलर कौन से हैं? येलो है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है और हमारा वॉयलेट है। अब इसमें से कूल कौन से हैं या वार्म कौन से हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। कूल से अगर आप सोचोगे पानी, पानी कूल होता है, ठंडा होता है, तो पानी कैसा होता है आपका, ग्रीन कलर होता है आपका, ब्लू कलर होता है आपका पानी, है ना, ग्रीन ब्लू इस तरह का आपका वाटर साइन होता है, तो उसको हम कूल कैटेगरी में रखते हैं। तो इसीलिए कलर व्हील के चार्ट में हमारा जो ब्लू से रिलेटेड कलर्स है, जो हमारे ग्रीन से रिलेटेड कलर्स है, जो वॉयलेट है हमारा, ब्लू ग्रीन वॉयलेट, ये जो कलर्स है हमारे, ये पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कूलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं कूल कलर्स, ये साइड हमारे कूल कलर्स हो जाती है। और इसके ऑपोजिट वार्म, वार्म क्या होता है, सन, हीट, हीट वार्म होती है, सन वार्म होता है, सन का कलर क्या हमारा, येलो, ऑरेंज, रेड। जब सन राइज होता है तो थोड़ा सा येलो होता है, थोड़ा सा ऑरेंज होता है, थोड़ा सा रेड होता है, वो है वार्म कलर्स, वो हीट कलर्स है, उसको हम येलो, रेड, ऑरेंज, तो इनको हम रखते हैं वार्म कलर्स की कैटेगरी में। अब आप देखो तीनों का डिफरेंशिएट हो गया 6 कलर्स का, जो हाफ कलर्स है 3 शेड वो हमारे कूल कैटेगरी में चलेगी, और जो बाकी के 3 शेड थे वो हमारे वार्म कैटेगरी में चलेंगे। और जब इन दोनों का मिक्स स्किन है, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट का मिक्स करके लगाते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे न्यूट्रल कलर्स। येलो रेड को मिक्स किया तो ऑरेंज हमारा न्यूट्रल कलर हो गया, जो सेकेंडरी शेड्स होते हैं एक तरह से हमारे न्यूट्रल कलर हो गए, क्योंकि वो दोनों के मिक्स किए हुए हैं, तो उसमें थोड़ी सी वार्म टोन भी है, थोड़ी सी कूल टोन भी है, तो ये हमारे हो जाते हैं कूल, वार्म और न्यूट्रल कलर्स।
अब इस चीज से आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी आपको समझाया कि स्किन टोन और अंडर टोन को कैसे पहचानते हैं और कैसे उनको मेकअप में हमें इंप्लीमेंट करना होता है, वो सब ने आइडियाज को। अब आप देख लो कूल कलर्स में हमारे आगे ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन। तो इट मीन्स अगर आपकी स्किन फेयर है, लाइट है, फेयर है, तो आपको कूल कलर्स पे फोकस करना है, ब्लू पे, ग्रीन पे, वॉयलेट पे, क्योंकि आपकी स्किन फेयर है तो रेड होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। तो उसको फिर क्या कट करेगा, ग्रीन, क्योंकि वो कूल कलर की कैटेगरी में है। अगर आपकी स्किन वार्म कलर में है, येलो, रेड और ऑरेंज में, क्योंकि हीट है, आपकी स्किन मीडियम है, डार्क है, तो आपको उन चीजों को किससे न्यूट्रलाइज करना है, येलो से या ऑरेंज से या रेड से, क्योंकि वो वार्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वार्म को वार्म काटेगा। ठीक है, वार्म हमारी स्किन है तो हम वैसे ही कलर चूज करेंगे, कोल्ड स्किन है तो हम उसके ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर चूज करेंगे। तो ये हो गया आपका कोल्ड कलर्स क्या होते हैं, वार्म क्या होते हैं, न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं। आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि थ्योरी इतनी ज्यादा कवर हो जाएगी तो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। तो अगले वीडियो में मैं इसी टॉपिक को फर्दर आके आपको समझाऊंगी कि कूल, वार्म और न्यूट्रल कलर को हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे हमें कंसीलर, करेक्टर और फाउंडेशन कैसे चूज करने हैं, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे स्किन को न्यूट्रलाइज कौन से प्रोडक्ट से किया जा सकता है, वो उसके पीछे का फंडा क्या है और वो कैसे करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कि एक दूसरे को कौन सा कलर कट करता है, न्यूट्रलाइज करता है, उसके बेस पे हमें प्रोडक्ट्स कैसे चूज करने हैं। तो अगला वीडियो भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई वुड सजेस्ट कि कोई भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि थ्योरी आनी हमें बहुत जरूरी है। तो प्लीज 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 सारे वीडियोस को फुल जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए। आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, लेकिन उससे पहले कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टिप ऑफ द डे की तरफ। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है, ड्राई है और साथ में उस पर टैनिंग भी हो चुकी हुई है, तो आज के टिप ऑफ द डे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी होम रेमेडी DIY जो आपको इस्तेमाल करनी है, आपकी स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी और आपकी टैनिंग भी चौबंदर हो जाएगी। उसके लिए आप थोड़ा सा एक चम्मच मलाई ले लीजिएगा और साथ में थोड़ा सा हाफ लेमन को स्क्वीज करके उसके जूस को मलाई में मिक्स कर लीजिएगा। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसको आप रात को सोने से पहले अपने पूरे स्किन पे लगाकर थोड़ा सा 5 मिनट्स के लिए पूरे स्किन पे मसाज करना है। एक तरह से आपको स्क्रब की तरह उसको यूज करना है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिला सकती हो। उसको आप चाहो तो ओवरनाइट अपने स्किन पे रख लीजिए या 1-2 घंटे के बाद धो लीजिए। आप डे टाइम पे भी कर सकते हो, लेकिन रात को थोड़ा सा हमारी स्किन को नरिशमेंट ज्यादा मिल जाती है और हम धूप से बचे होते हैं, हमें कहीं जाना नहीं होता, हमें सिर्फ आराम करना होता है। तो ये चीजें, लेमन जो होता है वो सिट्रिक होता है, वो हमारी स्किन को क्लीन करता है और टैनिंग को हटाता है, एक तरह से ब्लीच करता है। और दूसरी तरफ जो मलाई है इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, उसमें हाइड्रेशन होता है, उसमें क्रीम होती है। तो ये दोनों चीजें मिलकर आपकी स्किन को डिटैन भी करते हैं और साथ में उसको हाइड्रेट भी करते हैं। आप 1-1.5 महीने के लिए इस्तेमाल करके देखिए, आप डेफिनेटली फर्क महसूस करेंगे।